हेलो फ्रेंड्स, मैं हीशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लिंग बैग। बहुत ही प्यारा है दिखने में और बनाने में है एकदम इजी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोजेक्ट बिना किसी देरी के। बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिया हुआ छोटा सा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की इन्फॉर्मेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एक पिंक कलर की जो कॉर्ड है 2 मीटर लंबी उसको बांध लेंगे इस तरह से ताकि हम अपनी बाकी की रोप्स उस पर अटैच कर सकें। तो मैंने कलर पिंक एंड ब्लू लिए हैं, आप कोई से भी कलर ले सकते हैं। तो हम टोटल यहाँ पर 20 कॉर्ड जो है लार्ज हेड नोट के थ्रू यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो टोटल ये 20 रोप्स मैंने अटैच कर ली है। 4 मैंने ब्लू रोप्स जो है बीच बीच में लगाई हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, बाकी 5 पिंक कॉर्ड्स जो है 7 साइड्स में है और सेंटर में 6 कॉर्ड्स हैं। तो टोटल ये 20 कॉर्ड्स जो हमने हैं यहाँ पर लगा ली हैं। तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर नॉट से अपना पैटर्न शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से सिंपल स्क्वायर नॉट बनानी है सारे ऊपर जितने भी रोप्स हैं हमारे उसके साथ। ये सेंटर में मैंने यहाँ से बांधा है ताकि हमारा जो बैग है वो सेंटर से कर्वी ना हो जाए, तो इससे एकदम ये ऊपर से स्ट्रेट रहेगा। तो चलिए बाकी की स्क्वायर नॉट्स भी जल्दी से लगा लेते हैं हम। तो ये सारी स्क्वायर नोट्स लग गई हैं। अब ये 2 स्क्वायर नोट्स के बीच में जो 4 रोप्स हैं, ये देखिए 2 उस स्क्वायर नोट की, 2 दूसरी वाली स्क्वायर नोट की, इन दोनों को पकड़कर हम एक स्क्वायर नोट बनाएंगे। तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव स्क्वायर नोट्स। तो जो हमारा सारा बैग है वो हम अल्टरनेटिव स्क्वायर नोट से ही बनाएंगे। तो इस तरह से हर 2 स्क्वायर नोट्स के बीच में हमें एक स्क्वायर नोट लगानी है। तो ये पूरी तरह से फिल हो जाएगी जगह, जो खाली है गैप्स हैं बनेंगे नहीं। तो ये देखिए, फिर से इसी तरह से हमें चलना है और पूरी हमने 35 रोज जो है वो बना लेनी है स्क्वायर नोट से इस तरह से। तो अब हम इसको कंप्लीट करने के लिए इसका फ्लैप बनाना है, उसके लिए हम यहाँ पर इसको वी शेप देंगे। तो वी शेप के लिए क्या करेंगे, हम हर 2 स्क्वायर नोट्स के बीच में एक स्क्वायर नोट लगाएंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से एक एक स्क्वायर नोट जो है हमारी हर बार कम होती जाएगी। तो ये पूरा का पूरा वी शेप बन जाएगा यहाँ पर। इसका स्लो और कंप्लीट वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, खाली इसका वी शेप बनाने का अल्टरनेटिव स्क्वायर नोट्स का। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये देखिए, हम एंड पे आ गए हैं। हमारी वी जो है कितनी अच्छी बन गई है, आप पैटर्न देखकर समझ ही पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने साइड्स में से एक एक स्क्वायर नोट नहीं लगाई है और हमारा वी शेप जो है रेडी हो गया है। तो अब हम इसको फिनिशिंग देने के लिए यहाँ हम डायगनल क्लोव हिच लगाएंगे, या इसको डबल हाफ हिच भी कहते हैं। तो ये हम डायगनल लगाएंगे। इसका भी स्लो और कंप्लीट वीडियो मैंने दिया हुआ है। एक्चुअली सारे ही जो बेसिक नोट्स होते हैं उसके मैंने वीडियोस पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि बेसिक नोट्स हम कैसे लगाएं, तो मैं उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो ताकि आपको ये बैग बनाने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से डबल हाफ इंच नोट लगाते हुए अपना ये यहाँ पर पैटर्न कम्प्लीट कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइनर लुक देने के लिए एक और पैटर्न अप्लाई करेंगे, ये है ब्रेडेड पैटर्न। तो इसके लिए इस तरह से 3 रोप्स हम पकड़ेंगे, ये देखिए हम 3 रोप्स हम इस तरह से पकड़ेंगे और राइट हैंड वाली एक रोप को नीचे से लाते हुए एक लूप बनाएंगे और लूप में से वर्किंग रोप को निकाल देंगे और फिर इसको छोड़ देंगे और न्यू एक रोप जो है हम अपने हाथ में पकड़ लेंगे और वापस से राइट हैंड वाली रोप है जो उसका एक लूप बना के
वर्किंग रोप को ही लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो हर बार हमें वर्किंग रोप को छोड़कर नई रोप लेनी है और उसी का ही लूप बनाकर हमें ये अपना पैटर्न जो है कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सुंदर पैटर्न है ये। और ये पैटर्न सिखाने के लिए मैं ग्रे वंडर्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये उन्होंने ही, ग्रे वंडर्स चैनल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पैटर्न वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने वहीं से, उन्हीं से सीखा है, तो बहुत ही प्यारा पैटर्न लगता है ये। तो दोनों साइड पर हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो लास्ट में यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पर एक बटन बनाना है मेरी तरह, तो ये स्क्वायर नॉट मत लगाइए, मैं बाद में इसको खोल दूंगी। अभी मैंने दिखाने के लिए खाली आपको लगाया है। और फिनिशिंग के लिए हम दोनों साइड से फिर से इसकी डायगोनल क्लोव हिच लगा देंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारा पैटर्न जो है बनकर रेडी हो गया है। और कुछ ऐसा हमारा जो है ये स्लिंग बैग दिखेगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने स्क्वायर नॉट लगाई थी, मैंने अभी खोल दी है। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाई थी कि अगर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपको मेरी तरह ही बटन लगाना है तो आप मत लगाइए ये स्क्वायर नॉट। तो अब हम जितने भी इसके एक्स्ट्रा रोप्स हैं वो कट कर देंगे, थोड़े थोड़े छोड़कर, तकरीबन 3-3 इंच छोड़ के मैंने इनको कट कर दिया है बाकी की सारी रोप्स को। तो अब हम इनको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा दिखने में बाहर से फिनिशिंग लगे। तो उसके लिए हमें जो हमने ब्रेडेड पैटर्न बनाया था उन सब में से इनकी एक एक रोप को इस तरह से पकड़कर ये ब्रेडेड पैटर्न के अंदर से निकाल देना है। आप ये काम क्रोशिया से भी कर सकते हैं, तो इससे इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग बाहर आ जाएगी। ये हम नायलॉन कॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको अंदर की तरफ ये टक कर रही हूँ। अगर आपकी ये कॉटन कॉर्ड है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर भी बहुत अच्छी लगती हैं, बस उनको आप कॉम कर दीजिए, ब्रश कर दीजिए, तो वो बिल्कुल ही बाहर टैसल्स बहुत ही प्यारे उसके लगते हैं। तो ये देखिए हमारा पर्स कितना प्यारा लग रहा है। तो हम साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमने जो 2 मीटर लंबी पिंक कॉर्ड ली थी वो इसीलिए लंबी ली थी ताकि इसी रोप से हम जो हैं अपना सारा बैग स्टिच कर सकें। ये देखिए हम अपना जो बैग बनाएंगे वो सेंटर से हमने शुरू किया था ताकि दोनों साइड पर हमें रोप जो है बराबर बची हुई मिले। तो बस इस तरह से जिगजैग इसे करते हुए जो साइड्स में हमारे लूप्स हैं उनमें से निकाल देना है और हमारा जो है बैग ये साइड से स्टिच हो जाएगा। ये भी आप क्रोशिया से कर सकते हैं, नीडल से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्वीज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। तो मैं इसको डबल टाइम स्टिच करूंगी, नीचे ले जाने के बाद मैं वापस से जिगजैग मैनर में इसको ऊपर तक लेके आऊंगी रोप को। आप चाहें तो नीचे ही खत्म कर सकते हैं इसको। तो अब रोप को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर लूप्स बनाकर इसको यहाँ पर एकदम पक्का कर देंगे ताकि हमारी रोप जो है खुले नहीं। और एक्स्ट्रा रोप को कट कर देंगे। तो जैसे हमने इधर सिला है दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल उसी तरह से स्टिच कर लेंगे।
ये देखिए हमारा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। एक्स्ट्रा रोप्स को मैंने कट कर दिया था, तो अब हम बनाएंगे इसका बटन। आप रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बटन नोट या बेरी नोट से इसका बटन बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर दो ब्लू कलर की रोप्स लिए हैं, तकरीबन ये 25 सेंटीमीटर ईच हैं। तो इन दोनों रोप्स को हम इस तरह से सेंटर वाले जो हमारे स्क्वायर नोट है उसके अंदर से डाल लेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्क्वायर नोट्स लगाएंगे। ये मैंने यहाँ पर 3 स्क्वायर नोट्स लगाई हैं। तो अभी अपनी दोनों लंबी वाली रोप्स को इसके अंदर डाल देंगे बैग के, और जो दो साइड वाली वर्किंग रोप्स थी उनको नीचे इस तरह से हम पहले एक टाइट नॉट लगा देंगे, और फिर इन दोनों रोप्स को भी हम अंदर ले जाएंगे बैग के। अब चारों रोप्स को हम अंदर अच्छे से आपस में नॉट लगा लगाकर बांध देंगे ताकि वो खुले नहीं। तो ये देखिए बटन लगाने से हमारा जो बैग है वो बंद भी हो जाएगा, तो पूरी तरह से सिक्योर है ये। अब हम बनाएंगे इसकी साइड की जो स्ट्रैप होती है वो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर की कॉर्ड को 2 मीटर लंबा लिया है, और जो ब्लू कलर से हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वो है 10 मीटर लॉन्ग। तो सिंपल स्क्वायर नोट्स हम यहाँ पर लगाते हुए अपनी पूरी स्ट्रिप जो है रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लू रोप ख़त्म हो गई है, तो बस यहीं पे हम ये चारों रोप्स को बैग के दूसरी साइड में इस तरह से अंदर टक कर देंगे। और फिर अच्छे से इनकी आपस में नॉट लगाकर यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम है, आप अपनी क्यूट सी डॉल्स के लिए ये बना सकते हैं, बिटिया रानियों के लिए किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरा आज का प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए। लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू। बाय बाय।